प्रश्नावली 17.6 ये माध्यक या माध्यिका जिसको मीडियम कहते, माध्यक या माध्यिका। निम्न चरों का मानों का माध्य ज्ञात करो। देखो 25, 34, 33, 13, 20, 26, 36, 28, 19 और 34 का माध्य ज्ञात करना। आपको इसमें माध्य ज्ञात करना है। आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा माध्यक या माध्यिका। इसमें सबसे पहले आपको अंकों को आरोही क्रम में लिखना होता है। इसमें सबसे पहले अंकों को आरोही क्रम लिखो, यहां लिखो आरोही क्रम में, आरोही क्रम में। आप सबसे पहले आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम लिखना है, छोटी से बड़ी संख्या लिखनी है। आप देखो सबसे पहले छोटा अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक कौन सा है, 13। तो आप यहां लिखो 13 या 13 दो, कोमा का से लगा दो। उसके बाद कौन सा है, 19। उसके बाद कौन सा है, 20। उसके बाद कौन सा है, 25। उसके बाद कौन सा है, 26। उसके बाद कौन सा है, 28। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद में 33। उसके बाद में 34। उसके बाद में 34 दो बार आया, दो बार लिखेंगे 34। उसके बाद कितना है, 36। ये 36, 13, 19, 20, 25, 26, 28, 33, 34, 34 और 36। ये आरोही क्रम हो गया। अब आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पद है। यहां लिखो पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या 10 है जो सम संख्या है। ये पदों की संख्या 10 है, 10 पद होते हैं, 10 पद है तो पांचवा और छठा पद जोड़ लो बटा दो। यदि 8 पद आते हैं तो चौथा और पांचवा मध्य पद प्लस अगला पद होता है इसका, यानी बीच वाला पद और उसका अगला पद दोनों पदों को जोड़ दो और दो का भाग लगा दो, सीधा माध्यक आ जाता है। तो यहां पर पदों की संख्या 10 है जो सम संख्या है, इसलिए पांचवा पद प्लस छठा पद बटा दो होता है। तो आप यहां लिखो पांचवा पद प्लस छठा पद बटा दो लिख दो, बराबर का ये चिन्ह। अब बताओ गिन लो पांच पद कौन सा, 1, 2, 3, 4, ये पांचवा पद है और ये कौन सा है, छठा पद है, जोड़ दो 26 प्लस कितना हुआ ये 28 बटा कितना हुआ ये 2 बराबर कितना हुआ 54/2 बराबर कितना हुआ 27। तो माध्यक जो है वो क्या आ गया, 27 आ गया। यहां पर माध्यक जो है वो 27 आ गया। पदों की संख्या 10 है जो सम संख्या है, पांचवा पद प्लस छठा पद बटा 2, 26 प्लस कितना हुआ 28/2, यानी आरोही क्रम गिनो 1, 2, 3, 4, 5, ये पांचवा पद है और ये क्या ये छठा पद, इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगा दो। तो 26 प्लस 28 बटा कितना हुआ 2, कितना हुआ 54/2 बराबर क्या होगा 27 आ गया। तो माध्य कितना आ गया, 27 आ गया। यहां पर सवाल नंबर संख्या 2, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात करो। पहले इसका माध्य देखो कितना, ये 19, 25, 59, 48, 35, 31, 30, 32 और ये 51। इसका माध्य ज्ञात अंक से, अंक से कौन से भी हो, माध्य कैसे भी अंक डाल सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी आप डाल सकते हैं। तो सबसे पहले लिखो आरोही क्रम, यहां लिखो आरोही क्रम, ये आरोही क्रम में सबसे पहले लिखना होता है आरोही क्रम। आप देखो सबसे छोटा अंक कौन सा है, सबसे देखो कौन सा है 19, उसके बाद में 25,
उसके बाद में 30, उसके बाद में 31, उसके बाद में 32, उसके बाद में 35, उसके बाद में 58, उसके बाद में 51, उसके बाद में 59। 19, 25, 30, 31, 32, 35, 58, 51 और 59 ये आरोही क्रम हो गया। अब पद गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पद है इसके अंदर। कितना पद है? 9। यहां लिखो पदों की संख्या 9 है जो विषम संख्या है। ये पदों की संख्या 9 है इसलिए ये विषम संख्या है। अब 9 पद आ गए इसके अंदर। अब आप इसके अंदर देखो, यहां लिखो n प्लस 1/2 बराबर का चिन्ह, n प्लस 1/2, n कितना है? 9। यहां लिखो 9 प्लस 1/2 बराबर कितना हुआ? 10/2 बराबर कितना हुआ? पांचवा पद। कौन सा हुआ? पांचवा पद। अब आप यहां लिखो माध्यक। अब आपको माध्यक जो है वो पांचवा पद गिनना है। कौन सा हुआ? 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गया 5। कितना हो जाएगा? 32। इसका माध्यक जो है 32 आ जाएगा। ये विषम संख्या में लागू होता है। पदों की संख्या 9 है जो विषम संख्या है, n प्लस 1/2, 9 प्लस 1/2 यानी 10/2 कितना हुआ? पांचवा पद। 10 में 2 का भाग लगा दो, पांचवा पद। पांचवा पद जो है वो माध्यक है। 1, 2, 3, 4, 5 तो माध्यक क्या हुआ? ये 32 हो गए। अब इसमें एक सवाल और पूछा गया इसके अंदर। ये पूछा गया है, क्या पूछा गया? नंबर 2, यदि 25 को 52 में बदल दिया जाए, 25 को 52 में बदल दिया जाए तो नए माध्यक का मान ज्ञात करो। आप देखो इस 25 को आप क्या करेंगे? 52 में बदलेंगे। तो आप यहां लिखो आरोही क्रम। क्या लिखेंगे? आरोही क्रम लिखिए, आरोही क्रम लिखो। अब देखो क्या हो जाएगा? 19। अब ये 25 को हटा दो, अब ये क्या हो गया? 52 बन गया। क्या बन गया? ये 52 आ गया। 25 की को 52 में बदल दिया जाए तो आर क्या हुआ? 19 कितना हो जाएगा? 30 कितना होगा? 31, 32, 35, 58, 51 और 52 और कितना हुआ? ये 49 हो गया, 59। यहां लोग ये 59, ये 59, ये 59। 19, 30, 31, 32, 35, 58, 51, 52 और कितना हो गया? 59 हो गया। ये 25 को हमने 52 में बदल दिया क्योंकि स्पष्ट नहीं कहता है कि 25 को 52 में बदल दिया जाए तो नया माध्य क्या आएगा। पहले तो आपने माध्य याद कर लिया 25 से, ये तो इसका माध्य क्या आया? 25 आ गया। अब 25 को 52 बदलना है तो ये 52 यहां चला जाएगा। अब देखो पदों की संख्या 9 है जो विषम संख्या है। पदों की संख्या 9 है जो क्या है? ये विषम संख्या है। पदों की संख्या 9 है जो विषम संख्या, लिख दो n प्लस 1/2 बराबर 9 प्लस 1/2 बराबर 10/2 बराबर क्या हुआ? पांचवा पद। क्या हुआ? पांचवा पद। अब पांच पद गिनो, कौन सा हुआ? 1, 2, 3, 4, 5। अब इसके पास ये हो गया तो बताओ माध्यक क्या आ जाएगा? माध्यक जो है वो हो गया 35 हो गया। ये 35 माध्यक क्या हो गया? 35 बन गया। तो इसके अंदर इसको पदों की संख्या, बाकी सवाल तो सेम का सेम चल रहा है यहां पर ये, लेकिन इसमें तो 25 से माध्यक ज्ञात करना है, इसमें 52 से माध्यक ज्ञात करना है। इसमें दो सवाल पूछे गए, एक तो 25 से माध्यक ज्ञात हो और एक 52 से माध्यक ज्ञात हो। तो ये 25 से 52 जो है आगे चला जाएगा। एक कक्षा के विद्यार्थियों की प्राप्त निम्न सारणी के अनुसार दी गई है, इसका माध्यक ज्ञात हो। ये ए वर्गी का सारणी आपको दी, देखो प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या। देखो यहां लिख दो आप एक्स और यहां दिया हुआ एफ दिया हुआ, ये 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और ये 50, 2, 8, 16,
26, 16, 7 और 2, 8, 16, 26, 20, 20, 16, 7 और ये 4, ये दिया। इसका आपको मध्य ज्ञात, देखो 15 की आवर्ती 2 बार है, 20 की आवर्ति 8 बार है, 25 की आवर्ति 16 बार है, 30 की आवर्ति 26 बार है, 35 की आवर्ति 20 बार है, 40 की आवर्ति 16 बार है और 35 आवर्ति 7 बार है और 50 की आवर्ति 4 बार। इसको आरोह क्रम में सारणी में दिया हुआ है, यानी 50 4 बार है और 45 जो है 7 बार है और 40 जो है वो 16 बार है, 35 जो है वो 20 बार है, ये दिया हुआ है। इसके अंदर सबसे पहले आपको संचयी बारंबारता ज्ञात, सीएफ ज्ञात करेंगे। देखो इसके यहां लिखो आप एक्स, यहां लिखो आप एफ और यहां लिखो आप सीएफ, संचयी बारंबारता। ये पंद्रह, बीस, पच्चीस, तीस, पैंतीस, चालीस, पैंतालीस, पचास और योग, यहां लिखो योग, योग। अब यहां देखो ये कितने है, दो, ये आठ, ये सोलह, ये छब्बीस, ये बीस, ये सोलह, ये सात और ये चार, ये दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है, सी एफ ज्ञात करो। ये ए वर्गीगत है, वर्ग नहीं है, ये वर्ग ए वर्गीगत है ये। अब देखो सी एफ, अब देखो यहां पर ये दो लिखा हुआ, इस दो को आप यहां दो लिख दो, ये सहन का सह बता दो, यहां जो भी अंक आएगा। अब दो के अंदर आपको ये आठ जोड़ना है, दो में ये आठ जोड़ो कितना हुआ, दस, ये दस, दस के अंदर ये सोलह जोड़ो कितना होगा, छब्बीस, छब्बीस में ये छब्बीस जोड़ो बावन, बावन के अंदर ये बीस जोड़ो बहत्तर, बहत्तर के अंदर ये सोलह जोड़ो, बहत्तर में कितना हुआ इट्ठासी, इट्ठासी के अंदर ये सात जोड़ो कितना होगा पिचानवे, पिचानवे में ये चार जोड़ दो कितना हुआ ये निन्यानवे। भाभी देखो दो का ये दो, दो में आठ जोड़ो दस, दस में सोलह जोड़ो छब्बीस, छब्बीस में छब्बीस जोड़ो बावन, बावन में बीस जोड़ो बहत्तर, बहत्तर में सौ जोड़ो इट्ठासी और इट्ठासी में सात जोड़ो पिचानवे, पिचानवे में चार जोड़ो निन्यानवे, कितना आएगा निन्यानवे। तो आप यहां लिखो एन, एन बराबर आप यहां लिख दो निन्यानवे, इनका योग जो है कितना, ये निन्यानवे है, कितना ये निन्यानवे। अब आप यहां लिखो एन बटा दो, यहां लिखो एन बटा दो बराबर का चिन्ह, निन्यानवे बटा कितना हुआ ये दो, एन बटा दो प्रकट संख्या में दो का भाग लगा दो कितना आएगा उनपचास पॉइंट कितना आएगा पांच, कितना आएगा उनपचास पॉइंट पांच। अब उनपचास पॉइंट पांच से ठीक बड़ी सी पहुंच, देखो उनपचास पॉइंट पांच से ठीक बड़ी सी पहुंची है कितना हुआ ये बावन है, उनपचास पॉइंट पांच से ठीक बड़ी सी पहुंची है बावन है। इसके ऊपर आप यहां पर अंडरलाइन कर दो, यहां पर ये, यहां पर ये, तो आप यहां देखो उनपचास पॉइंट पांच से ठीक बड़ी सी एफ कितना है बावन है, जिसका चरमान यानी एक्स रो मान, चरमान कितना है, चरमान कितना हुआ ये तीस, चरमान कितना ये तीस है, अतः माध्यक जो है वो तीस होगा, अतः माध्यक जो है तीस होगा, ये तीस बताइए। सबसे पहले इसमें सी एफ ज्ञात हो, दो का दो लिखो, दो में जोड़ो दस, दस में जोड़ो छब्बीस, छब्बीस में छब्बीस जोड़ो बावन, बावन में बीस जोड़ो बहत्तर, बहत्तर में सौ जोड़ो अठासी, अठासी में सात जोड़ो पिचानवे, पिचानवे में चार जोड़ो निन्यानवे, एन का मान कितना हो गया निन्यानवे आ गया। तो एन, एन का मान जो है निन्यानवे, एन बटा दो लिखो, निन्यानवे बटा दो, निन्यानवे बटा दो कितना देगा उनपचास पॉइंट पांच। अब इस उनपचास पॉइंट से, उनपचास पॉइंट पांच से ठीक बड़ी सीए पहुंची है, इससे ठीक बड़ी सी एफ, इस देखो इससे ठीक बड़ी बावन है, इससे बड़ी बहत्तर भी है लेकिन इससे ठीक बड़ी कौन सी है बावन है। तो उन पचास पॉइंट पांच से ठीक बड़ी सी एफ क्या है
संचयी बारह बार था 52 है, जिसका चर मान एक्स का मान, चर का मान क्या ये 30 है, तो इसका मतलब माध्यक जो है क्या होगा 30 होगा, इसका माध्यक जो है 30 होगा। चौथा देखो एक्स और ये एफ सैम का सैम है, तीनों सवाल ये देखो कितना दिया भाई 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 और यहां दे रखा है 10, 35, 27, 17, 6, 3 और ये 2 ये दिया। 100 परिवारों के बच्चों की संख्या इस प्रकार दी गई है, इनका माध्यक ज्ञात करो, बच्चों की संख्या और परिवारों की संख्या, 10 परिवार में 0 बच्चे हैं, 35 परिवार में 1 बच्चा है, 27 परिवार में 2 बच्चे हैं, 17 परिवार में 3 बच्चे हैं, 6 परिवार में 4 बच्चे हैं, 3 परिवार में 5 बच्चे हैं, 2 परिवार में 6 बच्चे हैं, इनका आपको माध्यक ज्ञात करना है। देखो सामने यहां लिखो आप x, यहां लिखो आप f और यहां लिखो cf, संचयी बारंबारता, cf का मतलब होता है संचयी बारंबारता। ये लिख दो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और योग, ये देखो योग, ये योग। अब देखो 10, 35, 27, 17, 6, 3 और ये 2। अब आपको सीएफ ज्ञात करना है, संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है, याद कर लो यहां कितना ये 10 है, तो आप यहां 10 का 10 लिख दो, ये 10 का 10, ये 10 का 10 उतार दो। अब 10 में 35 जोड़ना है, 10 में 35 जोड़ो कितना हुआ 45, ये 45। अब 45 में 27 जोड़ना है, 45 में 27 जोड़ना, ध्यान से जोड़ेंगे 45 में तो कितना हुआ 72, कितना हो जाएगा 72, ये 72, ये 72। 72 के अंदर 17 जोड़ो, 72 में कितना जोड़ेंगे 17, तो देखो ऐसे जोड़ लो, देखो 72 में 17 जोड़ दो 17, 7 2 कितना हुआ 9, 8 कितना हुआ 89, तो गया 89 लिख दो, 8, 9, 89 होते हैं 89, 89 के अंदर 6 जोड़ो 95 हो जाएगा, ये 95, 95 में 3 जोड़ दो 98 हो जाएगा, 98 में 2 जोड़ दो 100 हो जाएगा, एन का मान आप यहां को एन बराबर कितना हो जाएगा ये 100, एन का मान कितना आ गया 100, यानी इन बारंबारताओं का योग जो है कितना ये 100 है, कितना यहां पर ये 100 दिया है। अब आप यहां को n बटा 2 कितना हुआ 100 बटा 2, 100 बटा 2 कितना होगा 100 बटा 2 कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50, n बटा 2 यानी 100 बटा 2 का मान कितना गया 50। इस 50 से ठीक बड़ी सीएफ कौन सी है, इस 50 से ठीक बड़ी सीएफ कौन सी है, ये 72 है, तो इसके ऊपर आप अंडरलाइन डाल दो यहां पर, ये यहां लिखो 50 से ठीक बड़ी सीएफ 72 है, जिसका चर मान यानी एक्स का मान कितना है 2 है, चर मान 2 है, अतः माध्यक जो है वो 2 हो जाएगा, माध्यक बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 50 से ठीक बड़ी सीएफ जो है 72 है, जिसका चर मान जो है 2 है, इसलिए माध्यक जो है वो देगा 2 हो जाएगा। अगला एक और देखो, निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात हो, सैम का सैम देखो क्या लिखा हुआ है x और यहां लिखा हुआ है ये f, बीस 25, 30, 35, 40, 45, 50 और ये 55 और 14, 28, 33, 30, 20, 15, 13 और ये 7।
इसका माध्य ज्ञात करना। एक्स और एफ दे रखा, ये ए वर्गी का सारणी है। कौन सी है? ये ए वर्गी का सारणी। ऊपर प्राप्तांक बच्चों की संख्या, अंक या प्राप्तांक बच्चों की संख्या, ये भी आ सकता है। आप केवल एक्स और एफ भी लिख सकते हैं। एक्स और सबसे पहले इसमें तीन कॉलम बनाओ, संचयी बारंबार का। देखो यहां लिख दो आप एक्स लिख दो, यहां लिख दो आप एफ लिख दो, और यहां लिख दो आप ये सी एफ, ये सी एफ संचयी बारंबार। ये 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और ये 55 और चलो योग योग 14, 28, 33, 30, 20, 15, 13 और ये 7। अब आपको सबसे पहले संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है। जोड़ दो, यहां कितना? ये 14, ये 14 आपको यहां उतारना है। 14 का ये 14। अब आपको तिरछा जोड़ना है। अब 14 में 28 जोड़ दो, 8 4 12, 3 रेख 4 कितना हो गया? 42। अब 42 में 33 जोड़ना है, 3 और 2 5 और 4 3 7 कितना हो गया? 75। अब 75 में 30 जोड़ना है, 105 और 105 में 20 जोड़ दो, 125 125 में 15 जोड़ दो, 140 140 में 13 जोड़ दो, 153 153 में 7 जोड़ दो, 160 एन का मान कितना हो गया? 160 एन का मान कितना हो गया? 160। सबसे पहले आपको सीएफ ज्ञात करना है। एन का मान कितना हो गया? 160। अब आप यहां लिखो एन बटा दो, एन बटा दो, 160 बटा दो लिख दो, कितना हो जाएगा? 80। एन बटा दो बराबर 160 बटा कितना हुआ? दो, बराबर कितना हो गया? 80 हो गया। अब 80 से ठीक बड़ी सीएफ कौन सी है? 80 से ठीक बड़ी सीएफ, उसके ऊपर आपको अंडरलाइन डालनी है। 80 से ठीक बड़ी सीएफ, 80 से ठीक कौन सी है? 105 है, तो आप इसके ऊपर अंडरलाइन डाल दो। आप यहां पर ये 105 का जो चर मान है वो कितना है? 35 है। 135 का जो चर मान है वो क्या है? 135। 105 का चर मान कितना है? ये 35 है। अतः माध्य क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। लिख दो आप यहां पर 80 से ठीक बड़ी सीएफ कितना है? 105 है, जिसका चरमान है 35 है। चरमान कितना? ये 35 है। अतः माध्यक जो है वो 35 हो जाएगा। माध्यक बराबर लिख दो 35। ये माध्यक जो है 35 हो गया। इस प्रकार ये आपके सामने ये प्रश्नावली जो है 17.6 पूरी हो गई। कल हम जो पढ़ेंगे वो वर्गीकृत पढ़ेंगे, जो सूत्र है।